ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जो लोग वक्त के साथ अपने आप को ग्रूम नहीं करते या अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो लोग उनसे बात करना ही पसंद नहीं करते। दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्टेप, लेकिन दिस इज़ व्हाट सोसाइटी इज़। अपने आप को स्टाइल करना और ग्रूम करना, इससे आपको सेल्फ इस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करूँगी और हेल्पफुल जो है आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अपने आप को ग्रूम करने में और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो आप ऐसा करके। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन केयर पर फोकस करें, बहुत मिनिमल सी, बहुत अच्छी सी स्किन केयर को फॉलो करें। चैनल पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर की हुई हैं, आप वहाँ से भी हेल्प आपको मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। सो जब आपकी स्किन अच्छी होगी ना, तो आपकी स्किन पे मेकअप भी अच्छा लगेगा और आप विदाउट मेकअप भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगोगे। आई नो आप लोग वैसे भी बहुत प्यारे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे इंसान अपने लिए करता है, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। सो आप इसके लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लो, एक अच्छा सा सनब्लॉक ले लो, जो भी आपको पसंद है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो यूनिवर्सिटी वगैरह जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट लाइट सा आप मेकअप करें। उसके लिए मैंने आपके साथ ऑप्शन शेयर किया है कंसीलर का। आई पर्सनली यूज़ मिस रोज़ का कंसीलर। मैं इसको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन डेली लाइफ में पसंद नहीं करती अपनी डेली रूटीन में। जस्ट कंसीलर लो जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं, अंडर आई एरिया है या लिप्स के अराउंड, आप हल्का सा इसको लगाओ, इसको लाइट सा ब्लेंड करो। इससे बहुत अच्छी सी शाइनी सी लुक भी आ जाती है। जब आप नीचे मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना ना, फिर बहुत अच्छी सी लुक आएगी। तो इससे जो है वो डार्क एरियाज़ भी कवर हो जाते हैं और लाइट सी स्किन जो है वो ग्लो भी करती है और बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। फील भी नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। उसके बाद आपकी आईज़ जितनी नीट लुक देंगी ना, उतना ही आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके लिए मैंने आपके साथ ऑप्शन शेयर किया है कैरेट का अल्ट्रा वाटर प्रूफ मस्कारा, या इसके अलावा आपके पास जो भी आपका फेवरेट मस्कारा है आप उसको यूज़ कर सकते हो। मस्कारा अप्लाई करने से इंस्टेंटली आपकी जो आईज़ है ना, बहुत ज़्यादा खिली खिली लगती हैं और बिल्कुल भी डल फीलिंग नहीं आती इससे। तो आप मस्कारे के कोट करो, ये आपकी आईलैशेस को भी फुलर वाली लुक देगा। लिपस्टिक्स में मैं प्रेफर करती हूँ कि वाटरप्रूफ लिप ग्लॉस यूज़ करूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में या जब भी हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, खाना खाते वक्त लिपस्टिक उतर जाती है, जो बहुत बुरी सी फीलिंग देती है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वाटरप्रूफ लिप ग्लॉस को ही यूज़ करूँ। आई लव दिस लिप ग्लॉस, ये है रोमांटिक कलर्स वालों का लिप ग्लॉस इन शेड 01। यू कैन फाइंड दिस फ्रॉम एनी कॉस्मेटिक शॉप। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीनेजर, आपको चाहिए कि ना न्यूड कलर के लिपस्टिक्स को चूज़ किया करो या लाइट से पिंकिश कलर में लिपस्टिक्स को चूज़ किया करो। ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं और रंगीले भड़कीले जो कलर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते। और आप इसी लिप ग्लॉस को अपनी चीक्स पे एज ए टिंट भी यूज़ कर सकते हो। सो यही तीन चार चीज़ें होती हैं जो डेली मेकअप में यूज़ होती हैं। इसके अलावा इंसान को किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और आप अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे ड्रेसेस पहन के जाया करें जो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो। आजकल क्वाड सेट्स हैं, बहुत ज़्यादा इन है, आप उनको वियर कर सकते हो डिफरेंट कलर्स में, लाइक पिंकिश कलर हो गया, वाइट कलर, ब्लैक कलर, कोई भी लाइट सा कलर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी पर्सनालिटी पे आपको सूट करता है, आप उसको चूज़ करो। और जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अपना ड्रेसअप नहीं करते। अपनी एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट करें कि देखने वालों को पता चले कि ये तो वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी इसी तरह से ड्रेसअप होती है या प्यारी लगती है, ना कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी ड्रेसिंग कर लो और अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत हैवी सी एक्सेसरीज़ आप पहनना स्टार्ट कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड की तरफ चले जाओ, ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दो। नो, आप सिंपल कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट और डिसेंट लग सकते। आप कुछ भी कैरी कर रहे हो, आप कुछ भी पहन रहे हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगेगी और आपके हैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन लगने चाहिए। आपके जो नेल्स हैं वो बिल्कुल भी टाइडी नहीं होने चाहिए। नेल्स को फाइल किया करें, इनको शेप में रखा करें। जिस तरह की भी शेप आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो। उसके अलावा नेल्स को वीकली जो है वो कट किया करें, इनकी नीटनेस का ख्याल रखा करें। नेल कलर अप्लाई करना आपको अगर आपको पसंद है, तो आप, मैंने आपके साथ कलर शेयर किया है ग्रे कलर, आप इस तरह के न्यूड्स कलर, लाइट कलर को वियर किया करो, ना कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते डेली लाइफ में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने करनी थी, वो ये थी कि अपने अनवांटेड फेशियल हेयर्स को रिमूव किया करें। अगर आपको फेशियल हेयर्स नहीं पसंद, तो प्लीज़ उनको रिमूव किया करें। लाइक ये जो हमारी चीक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स होते हैं, अपर लिप्स होते हैं, आईब्रोज होते हैं, उनको वीकली जो है ना, वो उनको ट्रिम किया करें, उनकी नीटनेस का ख्याल रखा करें।
उसके लिए आप हेयर रिमूवल कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। पर्सनली आई लव टिंकर रेजर, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंट है, सेफ़ टू यूज़ है। इससे बिल्कुल भी हेयर जो है वो थिक नहीं होते और बहुत नीटली जो है ना वो उस फेस को एक्सफोलिएट भी कर देते हैं। टिंकर रेजर को यूज़ करने से मेकअप भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है और जो स्किन केयर होती है वो भी बहुत अच्छी तरह से स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल शेयर सेपरेट वीडियो ऑन टिंकर रेजर्स के किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो राइट वे में, और इसकी जितनी भी मिथ्स हैं और वो भी सारा कुछ ना उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं डेली स्किन केयर कंटेंट अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप बाकी वीडियोस भी देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके देन, जो नेक्स्ट स्टेप है ना उसको मैं डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ, मैं कभी भी मिस नहीं करती, दैट इज डिओड्रेंट। प्लीज 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 कोई अच्छा सा डिओड्रेंट ले लें, जैसा कि निविया का है, मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर की हुई है चैनल पे, आप लिंक मेंशन कर दूंगी, वो देख लेना, जो आपको पसंद आएगा आप अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर लेना। तो अगर आप कोई अच्छा सा परफ्यूम भी कैरी करते हो ना, तो स्वेटिंग से उससे भी स्मेल के साथ जब वो मिक्स हो जाती है तो इतनी गंदी इतनी बुरी सी स्मेल प्रोड्यूस होती है ना, तो इसके लिए सबसे ज्यादा डिओड्रेंट है कि पहले अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिओड्रेंट यूज करो, देन आप कोई भी परफ्यूम यूज करो। अपने लिए ना एक अच्छी सी वॉच गोल्डन कलर में या सिल्वर कलर में या कोई भी डिसेंट से कलर में एक वॉच लाजमी खरीद लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है आप इसको जस्ट कैरी करोगे ना उसी वक्त आपकी पर्सनालिटी में एकदम से सडन चेंज आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत डिसेंट लुक आती है वॉच। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज को डेली लाइफ में पहनो, जस्ट वॉच पहनो एंड दैट्स इट। तो जो मेरी स्टेटमेंट लुक है ना उसमें वॉच मस्ट है, मैं वॉच को लाजमी पहनती हूँ। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ हेयर स्टाइल। आपका हेयर स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुझे हेयर स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा सूट भी करते हैं। इसके अलावा कोई भी मिनिमल सा हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। थोड़ी सी डिसेंट सी आप पिंस ले लें जो आपके हर आउटफिट के साथ चलती हैं, लाइक दीज पिंस लुक्स वेरी डिसेंट एंड वेरी एलिगेंट। लूज सी चुटिया बना सकते हो, बाउंसी कर्ल्स कर सकते हो, ये सब बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। यकीन करें अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना तो कोई भी इंसान आपको वैल्यू नहीं करेगा। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, बाकी फिक्रों को छोड़ के अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, अपने आप पे फोकस करें, अपने लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीजों को अपने लिए चूज करें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा एनहेंस करें। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू गाइज, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जब भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसमें आपके साथ बहुत मजे की स्किन केयर, ग्रूमिंग टिप्स, फैशन टिप्स सब कुछ शेयर करूंगी। सो आई होप कि आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।